री एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस संक्षिप्त लेक्चर में हम लोग जो है विधायकों के लिए अनुमन्य सुविधाएं, लाभ और पेंशन इत्यादि को जो है देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से संवैधानिक व्यवस्थाएं इस पर की गई हैं और हाल फिलहाल में पंजाब सरकार के द्वारा एक विधायक एक पेंशन योजना को लागू करने के कारण से ये क्यों चर्चा में है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें इस बात को देखने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान में किस जगह पे, किस अनुच्छेद के माध्यम से, किस भाग में विधायकों के पेंशन और अन्य सुविधाओं के बारे में जिक्र किया गया है और वो कौन सी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समय समय पर इनकी उपलब्धियों को, इनके वेतन भत्ते इत्यादि को बढ़ाया जाता है, किसके माध्यम से बढ़ाया जाता है। और दूसरी तीसरी बात यह है कि एक विधायक एक पेंशन योजना क्या है इसके बारे में देखेंगे, वो कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा विधायकों को पेंशन दी जाती है और कौन सा राज्य जहां पर विधायकों को सबसे कम पेंशन दी जाती है। और इसके बाद हम उत्तर प्रदेश की जो है स्पेशल व्यवस्था को इसमें देखने का जो है प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि आर्टिकल 164 के अंतर्गत, आर्टिकल 164 के क्लाज जो है 5, संविधान के अनुच्छेद 164 क्लाज 5 के अंतर्गत जो है विधायकों के वेतन भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों के बारे में जो है जिक्र किया गया है। और भारत में जो है अलग अलग राज्यों की विधानमंडल समय समय पर इनके वेतन भत्तों को जो है रिवाइज करती है और इस तरीके से जो विधानमंडल के पास ये अधिकार होता है कि वो विधायकों के जो है वेतन भत्तों को पुनर्परिभाषित कर सके। विधानमंडल के द्वारा जो है इनके सदस्यों, अब विधानमंडल में जो है विधानसभा और विधान परिषद जहां जहां पर जो है, किसी किसी राज्य में जो है विधान परिषद नहीं है, किसी किसी राज्य में है, तो दोनों को ही जो है विधायक कहा जाता है और दोनों के ही जो है वेतन भत्ते और अन्य जो है उपलब्धियों को जो है आर्टिकल 164 के खंड 5 में जो है विधानमंडल के द्वारा समय समय पर जो निश्चित किया जाता है। और अभी हाल में ही जो विधायकों की जो उपलब्धियां और पेंशन इत्यादि जो है पंजाब सरकार के द्वारा लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय जिसमें जो है एक विधायक एक पेंशन के रूप में जो है आती है के कारण से जो है चर्चा में बना हुआ है। बेसिकली इसका तात्पर्य सीधा सा यही मतलब होता है कि यदि व्यक्ति एक है और वो विधायक कई बार रह चुका है तो चूंकि व्यक्ति एक है इसलिए उसको पेंशन भी एक ही मिलना चाहिए। ये व्यवस्था ही जो है एक विधायक एक पेंशन यानी कि वन विधायक एमएलए और वन पेंशन जो है व्यवस्था कहलाती है। अब इसमें कोई भी व्यक्ति जो है, पूर्व में यह व्यवस्था प्रचलित थी कि यदि एक व्यक्ति जो है एक कार्यकाल और इसी तरीके से अलग अलग समय पर अलग अलग कार्यकाल में जो विधायक रहा है तो उसको जो है सभी कार्यकाल के लिए जो है एक अनुमन्य जो है वेतन भत्ते के रूप में धनराशि उसको दी जाती थी। तो ऐसी स्थिति में जो एक विधायक को कई बार जो है एक से ज्यादा जो है पेंशन दिए जाते थे और कई बार जो है उनको लाखों की पेंशन जो है दी जाती थी। तो इस तरीके से जो है यह राजकोष पर इसका जो भार बढ़ता था और इस तरीके से पेंशन के जो औचित्य को निर्धारित करते हुए पंजाब सरकार ने अभी हाल में ही जो है वन विधायक वन पेंशन योजना लागू की है। उनके यहाँ पे ये व्यवस्था थी कि विधायक को 75,000 रुपए पेंशन प्लस अन्य कार्यकाल के लिए, प्रति अन्य कार्यकाल के लिए जो है 50,000 की जो है एक्स्ट्रा जो है पेंशन दी जाती थी। तो ऐसी स्थिति में कई वहां पर पूर्व विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे थे जिनको 3 से 4 लाख रुपए तक पेंशन दिए जाते थे। राजकोष पर पड़ने वाले इस अतिरिक्त बोझ को कम करने के लिए और वे के इस औचित्य को सिद्ध करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यहां पर निर्धारित किया गया है कि अब यदि एक विधायक है वो भले ही कई बार जो है विधायक बन चुका हो लेकिन उसको एक ही बार का जो है पेंशन दिया जाएगा। यह है व्यवस्था, वन विधायक वन पेंशन व्यवस्था, और इसके कारण से यह जो है चर्चा में आजकल जो है रहा है। हम ये देखेंगे कि अगर हम प्रदेश स्तर पर देखें जो है विधायकों की जो उपलब्धियों के संदर्भ में, तो यह चूंकि विधानमंडल के द्वारा किया जाता है और विधानमंडल अलग अलग है इसीलिए जो है अलग अलग राज्यों के जो है विधायकों की उपलब्धियां भी अलग अलग होती है। इसमें तेलंगाना एक ऐसा राज्य है, तेलंगाना में जो विधायकों को सबसे अधिक वेतन दिया जाता है यानी कि 2,50,000 जो है वेतन इनको दिया जाता है। वहीं पर त्रिपुरा में जो है सबसे कम वेतन दिया जाता है, इनको जो है केवल 34,000 जो है वेतन दिया जाता है। और इस मामले में अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो यह तेलंगाना दिल्ली के बाद जो है तीसरे स्थान पर आता है जहां पर
87,000 जो है पेंशन इनको दिया जाता है, 1,87,000 जो इनको पेंशन दिया जाता है। अभी 1,87,000 पेंशन या 2,50,000 का ये पेंशन जो है ये मूल वेतन के रूप में नहीं बल्कि इनके विभिन्न प्रकार के जो भत्तों को जोड़ करके जो मिलता है, जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की इसमें जो बात करते हैं तो इनको जो है 25,000 रुपए जो है मूल वेतन के रूप में प्राप्त होता है, 50,000 रुपए जो है इनको निर्वाचन क्षेत्र भत्ता के रूप में मिलता है, और 30,000 रुपए इनको जो है प्रतिभा चिकित्सा पर जो है बे के लिए जो है प्राप्त होता है, 25,000 रुपए का जो है इन्हें निजी वाहनों पर जो है डीजल जो है भरवाने के लिए, निजी वाहन में जो डीजल भरवाने के लिए जो इनको मिलता है, 20,000 रुपए जो है इनको सचिवीय कार्य के लिए जो है मिलता है, सचिवीय कार्य के लिए जो है इनको मिलता है, यानी कि इनको लिखने पढ़ने के लिए जिस मानव संसाधन की आवश्यकता होती है उस पर जो व्यय किया जाता है उसके लिए जो मिलता है, और 30,000 रुपए इनको जो है चिकित्सा पर जो है मिलता है, इसी तरीके से 50,000 रुपए जो है निर्वाचन क्षेत्र भत्ता के रूप में जो है मिलता है, और ये जो है मूल वेतन के रूप में इनको जो मिलता है। इसी तरीके से जो है 6,000 रुपए जो है इनको प्रतिमाह जो है मोबाइल खर्चे के लिए जो है मिलता है। इसके अलावा अगर ये विधानसभा के जो है सत्र में जो है सम्मिलित होते हैं तो इनको 2,000 रुपए प्रतिदिन के जो है हिसाब से जो मिलता है, और विधानसभा की अगर समिति में जाते हैं तो 1,500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जो है इनको जो मिलता है। तो इस तरीके से जो इनको टोटल ग्रास जो पेमेंट होता है 1,87,000 का, तो इसी तरीके से कमोबेश विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं उनको अनुमन्य होती हैं और वो सभी मिला करके इनको इस रूप में जो है टोटल वेतन मिलता है। विधायकों के जो वेतन के संदर्भ में व्यवस्था ये जो है की गई है कि इनके जो मूल वेतन को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। ये भी कई बार जो चर्चा का विषय बनता है कि देश में जो है अलग अलग प्रकार के लोगों के ऊपर यदि टैक्स लगाए जाते हैं तो इनके ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगाया जाता है, ये जो है कई बार जो है चर्चा का जो है विषय बीच बीच में बन जाता है। फिलहाल ये जो है एक नीतिगत मामला जिसपे सरकार को जो है निर्णय लेना है कि वो किस तरीके से जो है इनके वेतन के संदर्भ में अपना निर्णय लेती है। इसके बाद जो है इनको विधायकों को अपने क्षेत्र में काम करने के लिए भी जो है प्रतिवर्ष के हिसाब से समय समय पर उसकी धनराशि बढ़ती रहती है, विधायक निधि की व्यवस्था की गई है। विधायक निधि एक ऐसी निधि है जिसके जो है माध्यम से विधायकों को अपने क्षेत्र में विकास के लिए जो है काम जो है करवाना होता है, विधायक निधि की जो व्यवस्था की गई है। और इस विधायक निधि के बारे में पूर्व में 1.5 करोड़ की व्यवस्था थी, उसके बाद 2019 में जो है इसको 2 करोड़, फरवरी 2020 में निर्णय लेकर के जो है अभी 3 करोड़ रुपए जो है कर दिया गया है, यानी कि एक विधायक एक वर्ष में जो 3 करोड़ रुपए तक का विकास काम कर सकते हैं, और इन्हें जो है 5 वर्ष में जो है 200 नल की भी व्यवस्था जो है की करनी होती है कि अगर ये अपने क्षेत्र में जहाँ पर पेयजल की जो समस्या है, पेयजल की जो अगर समस्या है तो उस पेयजल की समस्या से निपटने के लिए 200 नलकूप भी जो है ये लगवा सकते हैं, जिससे वहाँ पेयजल की समस्या से जो है निजात मिल सके। और यहाँ पर भी जो है रिटायर यानी कि जो कार्यकाल के बाद जो विधायकों को पेंशन देने की जो व्यवस्था की गई है, कहने का तात्पर्य है कि कार्यकाल और कार्यकाल के बाद इनको पर्याप्त सुविधाएं और व्यवस्था दी जाती है। 30,000 रुपये उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो पेंशन, और प्रति अतिरिक्त वर्ष के लिए जो है 2,000 रुपए जो प्रति माह के हिसाब से जो है इनको भत्ते अनुमन्य होते हैं। और इसी तरीके से रेलवे में चलने के लिए जो कूपन मिलते हैं, डीजल में उन्हें जो है कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि 50,000 रुपए तक वो डीजल भी डलवा सकते हैं। इस तरीके की व्यवस्था जो है विधानसभा के जो है सदस्य यानी कि विधायकों के लिए की गई है। तो इस लेक्चर के जो माध्यम से हम लोगों ने संक्षिप्त रूप में ये देखा कि वन विधायक वन पेंशन योजना क्या है, और बेसिकली जो विधायकों के संदर्भ में कितनी जो है सुविधाएं और व्यवस्था जो अनुमन्य की गई हैं, और सबसे ज़्यादा और सबसे कम जो है विधायकों को जो वेतन किस राज्य में जो मिलता है। बेसिकली जो भी टॉपिक जो है कंटेम्प्रेरी होता है, किसी कारण से विवाद में होता, चर्चा में होता है, तो उस पर एक तैयारी हो जाना चाहिए, तो वो एक केस स्टडी होती है, उसके बारे में एक समझ विकसित हो जाती है। अगर परीक्षा में सवाल भी पूछे जाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ से आपका क्वेश्चन भी जो है सही होता है। तो आर्टिकल 164 क्लास 5 में जो है इनके लिए व्यवस्था की गई है, और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो है माध्यम से इनके जो वेतन भत्ते और अन्य जो परिलब्धियां होती है उसमें समय समय पर जो है सुधार भी जो किया जाता है, उसको रिवाइज करने का जो है काम किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि विधायकों की जो है उपलब्धि वन पेंशन वन विधायक की जो नीति है इसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिली होगी स्पष्ट रूप से। पुनः अगले लेक्चर में हम इसी तरीके की संक्षिप्त जानकारी को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।